पंजाब के इलाके रोहतकोही में शदीद बारिशों से बड़ा सैलाब, पूरे रुझान में क्यामत सगरा बरपा हो गई। लोग जिंदगी बचाकर ऊंचे टीलों पर भाग निकले। राजनपुर में नदी नालों में शदीद तूफानी, दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा हो गया। शहरियों को घर खाली करने का ऐलान कर दिया गया। कोटद्दू इंतजामिया ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है। क़यामत सुग़रा का मंजर, लोग जिंदगी बचाकर ऊंचे टीलों पर भाग। राशन दिया गया ना, तो कोई टाट वगैरह दिए गए, और मवेशी भी मर रहे हैं, बीमारियां हैं, और इंसानों में भी मलेरिया, मुख्तलिफ बीमारियां हो रही हैं। राजनपुर में नदी नालों में शदीद तुग़यानी, दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। शहरियों को घर खाली करने का ऐलान। शहरी को बचाने के लिए इंडस हाईवे पर कट लगा दिया गया। पानी के तेज बहाव से सिंध और पंजाब की ट्रैफिक मुअत्तल। मुतासर इलाकों में ग़िज़ाई किल्लत पैदा। इस इलाके को भी देखा है माशाल्लाह, 1122 ने, पुलिस ने, और हमारे एसी साहबान ने, और जितने भी महकमे इरीगेशन वगैरह, इन सब ने अच्छा काम किया, और इवैक्यूएशन भी करवा चुके हैं लोगों को, अपना सेफ्टी तक ले आए हुए। बंस की हालत देखिए, बंद भी माशाल्लाह ठीक है फिलहाल, उसके उनसे भी काम हो रहा है। पूरे शहर को कोटद्दू, बाकी जितने मुजफ्फरगढ़ शहर है, जो 2010 में हुआ था, इंशाल्लाह वो नहीं होने वाला। कोटद्दू इंतजामिया ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। कोटद्दू कोहे सुलेमान पहाड़ों में बारिशों का सिलसिला जारी। सैलाबी रेले दरियाए सिंध में शामिल हो रहे हैं। दरियाए सिंध में हेड तौसा के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोटद्दू में पानी की सतह बुलंद। PDMA के मुताबिक जिले इंतजामिया रेस्क्यू 1122 हिफाजती बंद पर पहुँच गए। मैं हूं जैस्मिन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।